तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों मैं अपनी आवाज के साथ एक बार फिर वापस आ गया हूं। हालांकि इससे पहले वाली कहानी में मेरी आवाज नहीं थी, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो आवाज हमारी ही टीम के एक मेंबर की है, जो कि मेरे छोटे भाई की तरह है। दरअसल काफी समय से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, बस इसीलिए आपको कहानियां मिलती रहे, बस यही एक छोटी कोशिश थी। मुझे उम्मीद है आपको उनकी आवाज में कहानी जरूर पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम तन्मय रावत है और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों मैं इस गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव गया था। मैं अपने नाना जी के गांव गया हुआ था। मेरे नाना जी का गांव बेहद छोटा सा है, वहां ज्यादा लोग नहीं रहते। बस मैं वहां इसलिए गया था क्योंकि वहां पर मेरे मामा जी की शादी थी। और एक बात आपको और बता दूं कि मेरे नाना जी के गांव की औरतें वो अक्सर बारात में नहीं जाया करती हैं। तो हुआ यूं कि ये शादी वाले दिन मेरे नाना जी के घर में मामा जी की शादी के कार्यक्रम चल रहे थे। उसके बाद घर के सभी लोग बारात में चले गए, ठीक मैं भी उस बारात में गया हुआ था। हम सभी लोगों के जाने के बाद नाना जी के घर में मेरी मौसी और उनके दो लड़के और मेरी नानी जी थी। वैसे तो मेरे एक बड़े मामा और भी हैं, उनका मेरी नानी जी से लड़ाई झगड़ा हुआ है और वो लोग मेरी नानी जी के घर के ठीक पीछे वाले घर में रहते हैं। उन दोनों घरों के बीच में एक दीवार है और ठीक मेरे बड़े मामा जी के घर की जो दिशा है वो ठीक जंगल की ओर है। उस रात मेरी बड़ी वाली मामी जी अपने घर में अकेले सो रही थी। दूसरी तरफ नानी जी के घर के बाहर आंगन में लोग गाना बजाना कर रहे थे। उस समय रात के लगभग 1 बज रहे थे। साथ ही आपको एक बात बताऊं तो हमारे गांव में सोलर लाइट कुछ ही जगहों पर लगी हुई थी। उस वक्त वो लाइट अचानक ही बंद हो गई थी, पर हैरानी की बात तो ये थी कि वो लाइट्स आज तक कभी ऐसे बंद नहीं हुई थी। तो ठीक उस रात कैसे बंद हो गई, ये एक बड़ा सवाल था। ठीक नानी जी के घर के सामने भी वही सोलर लाइट्स लगी हुई थी, वो भी उस रात अचानक बंद हो गई। उस वक्त पूरे गांव में सन्नाटा और काफी अंधेरा हो गया था। उधर मेरे मामा जी के घर के दरवाजे पर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने जोर से कुछ फेंक कर मारा हो। इसीलिए वो आवाज सुनकर मेरी मामी जी की नींद खुल गई। वो अपने बिस्तर से उठी और दरवाजा खोलकर बाहर आई। बाहर आकर पहले तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, पर जब उन्होंने ध्यान से इधर उधर देखा तो उन्होंने पाया कि वहां पर एक ईंट पड़ी हुई है। वो कुछ करती कि इससे पहले ही अचानक से उन्हीं के घर के अंदर से किसी औरत की आवाज उन्हें सुनाई दी, जो कि मामी से कह रही थी कि उठ गई। ये आवाज सुनकर मेरी मामी जी ने बाहर से ही घर के अंदर की ओर देखा। उन्होंने देखा कि उनके घर के अंदर जो खाट लगी हुई है उसके ऊपर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। ये सब देखकर मामी जी बहुत घबरा गई, जिसके बाद ही वो चुपके से नानी जी के घर पर चली गई। वहां पहुंचकर उन्होंने सभी को वो सब कुछ बताया जो कि उनके साथ हुआ था। इसी बीच बाहर एक साइकिल खड़ी थी, वो भी अचानक नीचे गिर गई। साइकिल गिरने की आवाज से ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर लगाकर गिराया हो। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे एक ही रात में मानो सब कुछ उलट पुलट गया हो, क्योंकि थोड़ी देर बाद मौसी जी की लड़की जो कि सिर्फ 5 साल की है उसने सोलर लाइट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो देखो वहां पर भूत बैठा है। सबकी नजरें उस सोलर लाइट की तरफ थी, लेकिन किसी को भी वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। पर वो बच्ची लगातार यही बोलते हुए बस रोने लगी। वो अचानक मौसी जी से लिपट गई, पर थोड़ी देर बाद तुरंत ही सोलर लाइट जलने लगी। धीरे धीरे घर के बाकी सभी लोग सुबह होने तक एक साथ बैठे रहे। दोस्तों सच कहूं जब हम अगली सुबह बारात से घर वापस आए तब ये सारी बातें मुझे पता चली थी। हालांकि न जाने आपको ये कहानी कैसी लगेगी, पर जब मैंने ये कहानी सुनी तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी तन्मय रावत की कहानी। दोस्तों अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई हो तो नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं।
दोस्तों मैं अपना नाम व पता दोनों गुप्त रखना चाहती हूँ और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों ये बात 2 साल पहले की है। उस वक्त मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम साहिल था। वो एक मुस्लिम परिवार से था। वो ठीक एक गैराज में काम करता था। एक दिन रात 11 बजे उसके गैराज में एक ट्रक आया जिसके बाद वो उस पर काम करने लगा। जब वो अपना काम खत्म करके वापस घर को लौट रहा था कि तभी उसकी पीठ में कुछ ऐसी चीज चुभ गई थी जिसके बारे में उसे मालूम न चला। वो सीधा घर पर आकर अपने कमरे में जाकर लेट गया पर कुछ ही देर बाद उसे उल्टियां होने लगी। ये देखकर उसके दोस्त ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ। उसने कहा कि पता नहीं क्या हुआ, बस पीठ में कुछ दर्द सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने काटा हो। इसके बाद उसके दोस्त ने उसकी पीठ को चेक किया। उसने देखा कि उसकी पीठ में एक जगह पर कुछ फोड़े जैसा हो रखा था और तो और उसमें से हल्का हल्का खून निकल रहा था। ये सब देखकर उसने मेरे बॉयफ्रेंड से कहा कि ये बात मैं तुम्हारे माता पिताजी को कॉल करके बता देता हूँ। पर बॉयफ्रेंड ने कहा कि नहीं भाई, उनसे कुछ मत बताना, वो खामखा परेशान हो जाएंगे। हालांकि दोस्त ने उसकी बात मान ली और किसी को कुछ भी नहीं बताया। थोड़ी देर बाद दोनों लोग सो गए। उन्हें सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक मेरे बॉयफ्रेंड के सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। वो दर्द इतना तेज था कि उसे लग रहा था कि उसका सर फट जाएगा। वो धीरे धीरे दर्द से कर्रा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर उसका दोस्त भी तुरंत उठ गया। उठते ही उसने मेरे बॉयफ्रेंड से कहा कि क्या हुआ। उसने कहा कि भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे बहुत तेज बुखार भी आ गया है। दोस्तों सब कुछ एकदम अलग हो चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। खैर दोस्त ने मकान मालिक से कहा कि अंकल जी मेरे दोस्त को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मकान मालिक ने कहा कि चलो ठीक है, मुझे भी इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है, इसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना होगा। दोस्तों जब वो दोनों मेरे बॉयफ्रेंड को डॉक्टर के पास ले जा रहे थे कि रास्ते में मेरे बॉयफ्रेंड की मौत हो गई। इसके बाद उसका दोस्त बहुत रोने लगा क्योंकि जब उसने मुझे इस घटना के बारे में बताया तब मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था, पर वो लगातार बस रोए जा रहा था। दोस्तों अब वो इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिनों बाद उसका अंतिम संस्कार होने लगा। सब लोग शोक मना रहे थे कि तभी मुझे अजीब सा लगने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ कोई चल रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा सांप के नाम से ही शरीर कांप जाता था, मगर उसने मुझे कभी सामने से आकर नहीं डराया। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि कोई आएगा और मुझे भी मार देगा, क्योंकि अक्सर जब भी मैं कभी जंगल की ओर से जाती थी तो मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि कोई सांप आकर मुझे काट लेगा। सच कहूं तो मुझे बहुत से ज़्यादा सांप से डर लगने लगा। मुझे तो हर जगह ऐसा लगता था कि जैसे मेरे आसपास सांप ही सांप है जो कि मुझे किसी भी समय काट सकते हैं। इसी तरह एक दिन मेरी बहन ने एक मौलाना जी के बारे में बताया। उसने मुझसे कहा कि एक मौलाना जी हैं, तुम उनके पास चले जाओ। ठीक जब हम मौलाना जी के पास गए तो मौलाना जी ने बताया कि सांप से तो सभी डरते हैं, वैसे ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये ठीक कोई तुम पर काला जादू करवा रहा है, पर तुम एक क्रिश्चियन जाति की हो इसीलिए वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा, बस कहीं ना कहीं वो तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। दोस्तों फिर मौलाना जी ने मुझे एक ताबीज़ दिया। इसके बाद मैंने वो ताबीज़ अपने गले में पहन लिया और घर वापस आ गई। दोस्तों सच कहूँ तो उस दिन के बाद से मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी ही थी कि फिर मेरे साथ एक अजीब सी चीज़ होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई मेरे साथ ही है और वो मुझे देख रहा है। आखिर वो कौन है, ये सब सोचकर मैं तंग आ चुकी थी। एक दिन तो मैं खुद को मारना चाहती थी, पर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम एक बार चर्च जाओ, वहाँ जाकर ही सब ठीक हो जाएगा। साथियों अब से मैं हर रोज़ संडे को चर्च में जाती हूँ। बस तभी से लेकर अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। तो दोस्तों देखा आपने, इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया पर कहानी बिल्कुल अलग थी। अब दोस्तों फैसला आपको करना है क्योंकि अभी अभी जो आपने कहानी सुनी आखिर इसकी शुरुआत और अंत क्या था, बस आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं।
बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। मेरा नाम रोहित है, मैं खोड़ा कॉलोनी नोएडा का रहने वाला हूं। दोस्तों मेरा ऑफिस नोएडा सेक्टर 62 में है, जहां पर मैं काम करता हूं। मैं अक्सर अपने ऑफिस सबसे पहले पहुंचता हूं, क्योंकि मेरे ऑफिस की चाबी हमेशा मेरे पास ही रहती है, जिसके कारण मुझे ही अपने ऑफिस को ओपन करना पड़ता है। मेरे पहुंचने के बाद स्वीपर काम करते हैं। दोस्तों मेरे ऑफिस के मेन गेट पर एक गार्ड रहता है। वो गार्ड अंकल जी कम से कम 50 साल के होंगे। वो अक्सर हमारे ऑफिस में पीने का पानी लेने के लिए सुबह सुबह आते हैं। एक दिन तो वो लिफ्ट से ऊपर मेरे ऑफिस में आए। मैंने उन्हें देखा तो मैं उन्हें छिपकर डराने लगा, लेकिन वो समझ गए कि मैं उनसे मजाक कर रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद फिर उन्होंने मुझे जो कहानी सुनाई, दोस्तों मेरा यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने तो उनसे कहा कि आप कसम खाओ, तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि आखिरकार वो सच बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि वो एक दिन रात की ड्यूटी पर गए थे, जो कि खोड़ा से थोड़ी दूरी पर थी। वहाँ एक खाली प्लॉट है जहाँ उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। उस खाली प्लॉट पर गार्ड इसलिए रहता है ताकि कोई भी इंसान उस जगह पर किसी भी तरह का कूड़ा और गंदगी ना करे। इसी तरह एक रात की बात है, जब उनकी उस दिन नाइट की ड्यूटी लगी तो उनकी आंखें लग गई रात के 11 बजे। उनकी नींद आधी रात 1:30 बजे के आसपास खुली। आंखों के खुलते ही उन्होंने देखा कि दूर से कोई आदमी उनकी तरफ आ रहा था। उन्होंने सोचा कि कोई आदमी होगा, पर वो जैसे जैसे उनके पास आने लगा तो उन्हें दिखाई दिया कि उसकी तो आंखें ही नहीं थी। और ठीक जब वो उनके पास चल के आ रहा था तो गार्ड अंकल जी बहुत ज्यादा डर गए थे। उनका तो डर के मारे पसीना छूट रहा था, साथ ही उन्हें चक्कर भी आने लगे थे। देखते ही देखते वो जब थोड़ा और पास आने लगा तो उन्होंने सीधा अपने पास रखी बीड़ी चलाई। यकीन कीजिएगा, बीड़ी के जलते ही वो तुरंत गायब हो गया। दोस्तों इसके बाद गार्ड अंकल पूरी रात सो नहीं पाए। सुबह होते ही अंकल वहां से तुरंत निकल गए। साथ ही दोस्तों उनका कहना था कि वहीं थोड़ी दूरी पर एक पीर बाबा जी की दरगाह है, वहां पर अक्सर बीमार लोग आते जाते रहते हैं। शायद वहीं से कोई हवा या साया आया होगा, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया था। इसके बाद से ही वो उस जगह पर ड्यूटी करने नहीं जाते। हालांकि कभी कभार जब उनकी डबल ड्यूटी लगती थी तो वो कहीं और चले जाते थे, लेकिन उस खाली जगह वाली प्लॉट पर कभी नहीं जाते थे। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी रोहित की कहानी, जो कि उन्हें एक अंकल के द्वारा पता चली। अब दोस्तों आपको उनकी कहानी कितनी सच्ची लगती है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं अब आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम यासीन है, मैं हैदराबाद की रहने वाली हूं, और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूं वो मेरी दादी जी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों मेरी दादी जी आंध्र प्रदेश के एक विलेज से थी, और ठीक ये बात तब की है जब मेरी दादी जी की शादी के बाद नई शुरुआत चल रही थी। एक रात की बात है जब मेरी दादी जी को वॉशरूम जाना था, इसीलिए उन्होंने दादाजी को नींद से जगाना चाहा, मगर दादाजी बहुत गहरी नींद में थे। फिर दादी जी अकेले ही वॉशरूम जाने लगी। उस वक्त रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। दादी जी एक हाथ में लैंप और दूसरे हाथ में लकड़ी लेकर गई ताकि वो जानवरों से बच सके। वो धीरे धीरे खेतों की तरफ बढ़ने लगी। उसी रास्ते में एक बादाम का झाड़ पड़ता है। अक्सर गांव में सब लोग कहते हैं कि वो पेड़ श्रापित है। कुछ साल पहले कुछ बुरे लोगों ने एक पागल लड़की के साथ गलत हरकत करके उसे उस पेड़ के पास दफनाया था, और ठीक जब दादी जी उस पेड़ से गुजरी तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें बुला रहा है। वो उस वक्त बेहद ज्यादा डर गई थी, पर दादी ने इग्नोर किया और सीधा खेतों की तरफ चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस घर आ रही थी तो उसी समय मेरी दादी जी ने देखा कि कोई लड़की उस बादाम के पेड़ को अपने नाखूनों से खरोच रही थी। ऐसा करते हुए वो कुछ गुनगुना भी रही थी। ये सब देखकर दादी जी बहुत ज्यादा डर गई। उन्हें भी यह मालूम लग गया था कि ये कोई इंसान तो नहीं है, क्योंकि उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे।
दादी जल्दी जल्दी घर की तरफ आने लगी। जब कुछ दूर आने के बाद वो पीछे मुड़ी तो उन्होंने पाया कि वो लड़की उस जगह पर नहीं थी, क्योंकि वो लड़की तो अब दादी जी के बगल में खड़ी थी। दादी ने जब उसको अपने बगल में देखा तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके उससे पूछा कि तुम कौन हो, पर सामने से उसने दादी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। दादी ने एक बार फिर पूछा कि तुम कौन हो, पर वो लड़की एकदम खामोश थी। थोड़ी देर बाद अचानक से उसी लड़की ने मेरी दादी जी का गला दबोचा तो मेरी दादी जी को सांस नहीं आ रही थी। वो एकदम ही बहुत ज्यादा डर गई। उस वक्त वो सोचने लगी थी कि अब वो मर जाएगी। वो ये सोच ही रही थी कि तभी वहां पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से वहां पर एक आदमी आया और जोर जोर से सूरा पड़ते हुए मेरी दादी जी के पास आ गया। यूं समझिए कि वो कुछ ऐसे मंत्र थे जिसकी वजह से वो अचानक कहीं गायब हो गई। होश में आते ही जब दादी ने देखा कि आखिर वो आदमी कौन है, तो पता चला कि वो तो मेरे दादाजी ही थे, जो कि ठीक दादी जी के घर ना लौटने पर उन्हें खुद ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े थे। दोस्तों, दादी ने रोते हुए दादा को गले लगाया और फिर दोनों वहां से घर पर आ गए। घर पर आने के बाद अगले ही दिन दोनों दरगाह गए, पर उस रात के बाद से दादी कभी भी अकेले रात को बाहर नहीं निकली। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी यासीन की कहानी। उम्मीद है आपको इनकी कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की पांचवी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे नाना जी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, दरअसल बात तब की है जब मेरी माँ बहुत छोटी थी। एक दिन की बात है, मेरे नाना जी ने घर से बहुत ज्यादा दूरी पर एक खेत लिया था जिसमें वो फसल उगाना चाहते थे। उन दिनों गेहूं की फसल उगाने का समय चल रहा था, तो मेरे नाना जी ने उसी खेत में गेहूं की फसल उगाई। वो हर रोज रात को घर से खेत पर सोने जाया करते थे। ठीक इसी तरह एक दिन जब मेरे नाना जी उसी खेत पर सोने जा रहे थे तो ठीक उस समय बेहद रात हो चुकी थी। जाते वक्त उन्होंने मेरी माँ, मामा जी और मौसियों सभी से कहा कि तुम लोगों में से क्या कोई मेरे साथ चलेगा, मगर दोस्तों सभी लोगों ने उन्हें मना कर दिया, जिसके बाद नाना जी बिल्कुल अकेले पड़ गए और वो अकेले ही उस खेत में सोने के लिए चले गए। दोस्तों, वो खेत से कुछ ही दूर होंगे कि तभी उनके सामने कोई प्रेत आ गया। वो प्रेत कभी कुत्ता बनता तो कभी भैंस बन जाता। ये सब देखकर नाना जी के हाथ पैर एकदम सुन्न पड़ गए। उस वक्त वो चिल्लाना चाहते थे मगर चिल्ला नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उस समय मेरे नाना जी ने अपने सभी देवी देवताओं को अपने मन में याद किया और वहां से जल्दी से भागकर खेत में चले गए। खेत पर पहुंचकर उन्होंने अपनी रजाई ओढ़ी और बिस्तर पर लेट गए। वो पूरी रात मन में देवताओं को याद करते रहे। इसके बाद जैसे ही अगली सुबह हुई तो वो सीधा घर पर आए और उन्होंने ये सारी बातें मेरी नानी जी को बताई। दोस्तों, उस दिन के बाद से मेरे नाना जी उस खेत पर फसल को देखने के लिए कभी नहीं गए। वैसे अब मेरे नाना जी बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी आधी रात में या देर रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। न जाने कब क्या हो जाए, किसको क्या पता। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अविनाश की कहानी जो कि राजस्थान से है। दोस्तों, आपको इनकी कहानी कितनी इंटरेस्टिंग लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों ये भी बताइएगा कि उनके नाना जी को जो कुछ भी दिखा आखिर वो क्या था। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम असहाब है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मैं 11 साल का था। उन दिनों मुझे स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो ठीक मेरे घर वालों ने सोचा कि क्यों ना हम सभी नानी जी के घर चलते हैं। इसके बाद हम सभी लोग नानी जी के घर महमूदाबाद चले गए। मेरी नानी जी के घर के पीछे
एक बगीचा भी है। वहां पर मैं और मेरे दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। खेलते खेलते मेरे एक दोस्त ने काफी तेज शॉट मारा। देखते ही देखते गेंद दूर झाड़ियों में गिर गई। फिर मैं भागता हुआ बॉल को उठाने के लिए झाड़ियों के पास गया। मैं ठीक जैसे ही बॉल को उठा रहा था, वैसे ही मैंने देखा कि अचानक से एक औरत मेरे सामने आ गई। उसने मुझे इशारा करते हुए कहा कि तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, मेरे पास आओ, पानी पी लो। दोस्तों, उस समय मैं बच्चा था और मुझे प्यास भी लग रही थी। मैंने तुरंत उसके हाथ से वो पानी लिया और चुपचाप पी लिया। इसके बाद मैं दोबारा क्रिकेट खेलने चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरी आंखें बंद हो रही हैं। इसीलिए मैं तुरंत ही वहां से नानी जी के घर वापस आ गया। घर पहुंचकर मैं चुपचाप सो गया। मुझे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे सामने वही औरत खड़ी थी जिसने मुझे झाड़ियों के पास पानी दिया था। वो मुझे अपनी तरफ बुला रही थी और मैं भी ठीक उसी की तरफ जाने लगा। इसी बीच नानी जी ने मुझसे कहा कि तू नींद में क्या बड़बड़ा रहा है। ये कहकर उन्होंने मुझे नींद से जगा दिया। होश में आते ही मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी सारी बातें सुनने के बाद नानी जी सब कुछ समझ गई थी, इसीलिए वो मुझे बिना बताए एक बाबा जी के पास ले गई। उन बाबा जी ने मुझे देखा और वो सब कुछ समझ गए। वो मुझे देखकर कहने लगे कि वहां पर क्या खड़ी है, अंदर आ। दोस्तों, मैंने जैसे ही अंदर जाने को अपने पैर बढ़ाए, लेकिन मेरे पैर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। इसके बाद बाबा जी ने मुझे एक डोर पकड़ने को दिया। वो पकड़ते ही मैं अपने आप अंदर चले आया। थोड़ी देर बाद बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़े और मेरे ऊपर मंत्रित पानी को छिड़का। फिर बाबा जी ने हमसे कहा कि तुम्हें यह पानी दिन में 3 बार पीना है, वो भी लगातार 3 दिनों तक। दोस्तों, बाबा जी से मिलने के बाद घर आकर मैंने वैसा ही किया जैसा कि उन्होंने बताया था। और दोस्तों, मुझे इसका फर्क भी देखने को मिला, क्योंकि इसके बाद से वो औरत मुझे कभी भी दिखाई नहीं दी। साथ ही अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है और ये बात तब की है जब मेरे मामा जी के घर पर कोई भी नहीं था। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा और मेरे मामा जी का घर एक ही जगह पर है, वो वहीं आसपास में ही रहते हैं, तो अक्सर हमारा उनके घर और उनका हमारे घर पर आना लगा ही रहता है। दोस्तों, एक दिन की बात है, जैसा कि मेरे बाकी दोस्त भी अपने अपने मामाओं के घर गए थे और कई लोग अपने गांव चले गए, ठीक इसी प्रकार मेरे पिताजी भी मुझे मेरे मामा जी के घर पर ले गए। उस वक्त मैं सिर्फ 10 साल का था। हम लोग ठीक शाम को उनके घर पर पहुंचे। घर पहुंचते ही मैं टॉयलेट करने के लिए चला गया। उस वक्त मैं एक बच्चा ही था, मुझे भूत प्रेतों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। मैं ठीक जब टॉयलेट कर रहा था तो मुझे खिड़की के बाहर एक औरत दिखाई दी जो कि एक परछाई के रूप में थी। उस वक्त मुझे लगा कि यह हमारी बगल वाली आंटी होंगी, इसीलिए मैं टॉयलेट करके अपने पिताजी के पास जाकर बोला। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा आज हम खाने में चाय और बिस्किट खाएंगे, क्योंकि मेरे पिताजी खाना लाना भूल गए थे। पर खैर, हम दोनों ने ठीक वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ रही थी। सोते सोते मैंने जैसे ही अपनी आँख खोली तो इस बार मैंने उसी औरत को देखा, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा डर लग रहा था, इसीलिए मैंने तुरंत अपने पिताजी को उठाया। पिताजी बोलने लगे कि कंबल ओढ़कर सो जाओ। इसी बीच मैंने एक बार इधर उधर देखने की कोशिश की तो सच में वहां पर कोई नहीं था, इसीलिए अब मैं बिना डरे आराम से सो गया। पर दोस्तों, ये क्या, आधी रात को मेरी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी के तो पसीने छूट रहे हैं। मुझे उठता देख मेरे पिताजी मुझे तुरंत अपने घर ले आए। घर आकर मेरे पिताजी ने माँ को यह सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि रात को जब वो मेरी तरफ घूमे तो उन्हें मेरे पीछे एक औरत लेटी हुई दिखाई थी। पिताजी ने उस औरत का चेहरा भी देखा हुआ था, उसकी आंखें फूटी हुई थी और वो लगातार मुस्कुरा रही थी। इसके बाद अगली सुबह जब हम अपना सामान लेकर वहां पर गए तो हमारे पड़ोसी ने पिताजी को बताया कि आप यहां पर
अकेले कैसे रुक गए। ये जगह बहुत ही डरावनी है, पिताजी ने उनसे कहा कि यहाँ पर ऐसा क्या है। तब जाकर उन आंटी ने जवाब दिया कि यहाँ एक जोड़ीदार रहते थे, उसमें से उसका पति शराब पीकर हमेशा नशे में आता था। एक रात जब वो अपने घर पर आया तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि अपनी इस आदत को छोड़ दो वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी। ये सब सुनकर उसके पति ने उसे गालियां दी और उसे एक थप्पड़ भी मारा। इसी बीच उनकी लड़ाई हो गई। उसका पति इतने गुस्से में था कि उसने एक धारदार वाले चाकू से अपनी ही पत्नी की आंखें फोड़ दी और उसे जान से मार दिया। फिर जैसे ही उसकी पत्नी की मौत हो गई तो कुछ दिन बाद उस औरत के पति ने उस घर को छोड़ दिया। न जाने उसने उसकी लाश को नहीं मालूम कहाँ रख दिया। दोस्तों, इसके बाद से सभी लोगों ने धीरे धीरे इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए कहा। तो ठीक मामा जी ने भी अब वो घर छोड़ दिया है और मैं भी अब 17 साल का हो चुका हूँ। तो दोस्तों, ये थी आर्यन की कहानी। आपको इनकी कहानी में कितनी सच्चाई लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपना नाम नहीं बताना चाहता। वैसे मैं बेंगलोर का रहने वाला हूँ और ये बात साल 2005 की है जब हम कर्नाटक स्टेट के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के होशनगर तालुक में रहते थे। वो जगह वेस्टर्न घाट के पहाड़ी और जंगल के इलाकों से भरी हुई है। उसी दौरान मेरे भाई को गवर्नमेंट से आश्रय योजना के घर सेक्शन के लिए जाना था। उससे पहले तक तो हम लोग किराए के घर में रहते थे और उस समय मेरे घर में मेरे अब्बा अम्मी बहन और मेरे भाई भाभी और उनके 2 बच्चे थे। वैसे आपको एक बात बता दूं कि मुझे हॉरर फिल्म देखने का ज़्यादा शौक है। मैं अक्सर हॉरर वाली फिल्में ज़्यादातर देखता था, इसीलिए मेरे भाई ने घर के एंट्रेंस वाले कमरे में ही टीवी फिक्स किया हुआ था। मैं ठीक वहीं एक दीवान खाट पर हर रोज़ सोया करता था और बाकी के लोग अंदर बेडरूम में सोते थे। ऐसे ही कुछ 4 महीने बाद मैं एक दिन रात को थोड़ी देर से सोया था, तकरीबन रात के 2:30 बजे होंगे। उस समय मैं जिस जगह पर सोया हुआ था वहाँ पर मुझे अचानक मेरे शरीर के ऊपर सांप या चूहे की तरह इधर उधर जाने की आवाज़ सुनाई थी। ये सुनकर मैं तो पहले बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैंने घबराते हुए उठने की कोशिश की मगर सच कहूँ तो मैं पलंग से उठ नहीं पाया। इसी हड़बड़ाहट में मैं दीवान खाट से मुंह के बल नीचे ज़मीन पर गिर गया। उसी बीच मेरे भाई और बाकी सभी घर वाले उठकर मुझे देखने के लिए आ गए। इसके बाद मेरे भाई और अब्बू ने मुझे उठाकर पलंग पर लेटाया और ठीक कमरे की लाइट को ऑन किया। मेरे पास आकर जब मेरे भाई ने मुझे उठाया मैं तभी अचानक ठीक हो गया था। इसके बाद मेरे अब्बू मुझे हमेशा आयतुल कुरैशी पढ़कर सोने को कहते थे। मैं हर रात दुआ और आयतुल कुरैशी पढ़कर सोता था, लेकिन उस दिन में टीवी देखते देखते ही सो गया था, इसीलिए मुझे वैसा महसूस हुआ था। वैसे दोस्तों, मेरी एक आदत है, मैं थोड़ा एडवेंचर किस्म का लड़का हूँ, इसीलिए इसके 2 दिन बाद ही मैं इस चीज़ को समझने के लिए बघार दुआ पढ़कर सो गया। तब मुझे ठीक वैसा ही महसूस हुआ। फिर मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि तू बघार दुआ क्यों पढ़ता है। उन्होंने मुझे खूब डांटा मगर मैं कहाँ मानने वाला था। मैं फिर से वही दुआ पढ़कर सो गया। इसी दौरान 1 साल बाद मेरी वजह से मेरे पूरे परिवार वालों को घर छोड़कर एक किराए के मकान में रहना पड़ा। इसी बीच जब हमने इस बारे में अपने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो मेरे भाई का घर है उस जगह पर बहुत साल पहले जंगल और शमशान हुआ करता था। और ठीक इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि जिस जगह पर मेरे भाई ने घर बनाया था उस जगह कुछ बहुत ही बुरी शक्तियों पर जादू टोना किया हुआ था। और तो और, मैं जिस जगह पर सोता था उस जगह हम जूते चप्पल रखते थे। दरअसल उस जगह में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जब हमें ये बात पता चली तो हम उधर जूता नहीं रखते थे। दोस्तों, अगर आज भी जब हम अपने भाई के घर जाते हैं तो दुआ पढ़कर जाते हैं ताकि उस बुरी शक्ति का असर हम पर ना हो सके। सच कहूँ तो आज भी मेरे भाई की ज़िंदगी बहुत तकलीफ से गुजर रही है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है। मेरी अम्मी मुझसे कहती है कि अल्लाह का फजल है कि हमारे अब्बू बहुत ही दिलदार हैं,
दोस्तों, मैं भी बहुत नमाज और दुआएं पढ़ता था जो कि मैं मदरसे में सीखा हुआ था। कहते हैं कि इसीलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। बस दोस्तों, इसके बाद से आज तक मैं किसी भी जगह पर जाता हूँ तो आयतुल कुरैशी और दुआएं पढ़कर जाता हूँ। मैं बस सभी दोस्तों को ये सलाह देना चाहूँगा कि हमारे धर्म ग्रंथ जो भी हैं, कुरान, भगवत गीता, बाइबल, उनमें कुछ ऐसी दुआ के श्लोक होते हैं जिन्हें पढ़ने से या दोहराने से हम किसी भी मुसीबत का सामना आराम से कर सकते हैं। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद है आपको ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ ज़रा सी भी पसंद आई हो तो कहानियों को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं आपका हमेशा कमेंट्स में इंतज़ार करता रहता हूँ। बाकी दोस्तों, जल्द ही मिलूँगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।